चेहरे वाली, सुंदर आंखों वाली, द वेरी टैलेंटेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड टॉलीवुड हीरोइन संचिता बसु। संचिता बसु की अभी हाल में ही साउथ फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिलीज हुई है, जो बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट गई है। लेकिन आपको पता है ये फिल्म उनको टिकटॉक से मिली है। आखिर कैसे उन्होंने 15 सेकंड की वीडियो बनाकर साउथ में एंट्री की, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। स्वागत है आपका जी मीडिया में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी है, तो पहले तो मूवी के बारे में बताइए और फिर उसके बाद जानेंगे कि कैसे सफर जो है वो यहाँ तक पहुँची। थैंक यू सो मच जी न्यूज़, राइट, थैंक यू सो मच। मेरी जो मूवी है अभी बहुत अच्छी चल रही है, 2 सितंबर को रिलीज़ हुई है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और अभी वो भगवान की कृपा से सबको पसंद आ रही है और फुल कॉमेडी है, सब बहुत एंटरटेन हो रहे हैं, सब बहुत खुश हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के थ्रू हम संचिता की लाइफ स्टोरी के थ्रू ये जानेंगे कि वो बिहार से साउथ फिल्म इंडस्ट्री कैसे पहुंची और आगे उनकी कौन कौन सी मूवी आने वाली है, और जानेंगे उनके लाइफ के वो सारे अनसुने राज जिसे आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्च 2004 को बिहार के एक बहुत ही छोटे गांव महादेव मठ में एक साधारण फैमिली में इनका जन्म हुआ, जिसे आज आप संचिता बसु के नाम से जानते हैं। लेकिन इनके जन्म के कुछ साल बाद ही इनके पापा बिहार के सहरसा जिले के भागलपुर में अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट हो गए। इनकी फैमिली में पापा, मम्मी और इनकी दो छोटी बहनें हैं। पापा का नाम सुलेंद्र यादव है, वही मम्मी का नाम बीना देवी है। दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। बहुत लोगों को इनका सन नेम देखकर लगता है कि ये बंगाली हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके मम्मी के नाम का बीना का बा और पापा के नाम का सुलेंद्र का सु से इनका सन नेम बना हुआ है, तो ये बंगाली नहीं है, ये यादव फैमिली से बिलोंग करती हैं। अगर इनके क्वालिफिकेशन की बात करें, इस टाइम ये 12th में है और ये अपनी स्कूलिंग गर्ल्स स्कूल माउंट कामल स्कूल भागलपुर बिहार से कर रही हैं। अब ये बात करते हैं कि मात्र 18 साल की उम्र में ये टिकटॉक से साउथ फिल्म हीरोइन कैसे बनी, तो ये कहानी शुरू होती है 2019 में, जब टिकटॉक पर लोग बहुत जल्दी फेमस हो रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं भी टिकटॉक पर वीडियो बनाती हूँ और देखती हूँ कि लिपसिंग करते हुए कैसे लगती हूँ। इन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन शुरुआती 2 महीने में इनकी वीडियो में ना लाइक्स आ रहे थे ना ही व्यूज, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, ये लगातार वीडियो बनाती रही। एक दिन इनकी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गई, लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोगों ने जब इनकी वीडियो देखा तो ये कहने लगे कि क्या आप साउथ की हीरोइन हैं। कमेंट सेक्शन में ढेर सारे ऐसे कमेंट इनको आने लगे, लेकिन इन्होंने क्लियर किया कि मैं कोई साउथ की हीरोइन नहीं हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और एक मामूली लड़की हूँ। तभी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप साउथ के लिए ट्राई करिए, आपका चेहरा हूबहू साउथ की हीरोइन जैसा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो संचिता ऐसे कमेंट तो पढ़ रही थी, लेकिन उनके पास तो कोई सोर्सेस तो था नहीं कि वो साउथ के लिए अप्लाई कर सके, लेकिन उनकी वीडियो लगातार बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, उनके एक्सप्रेशन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और उनके टिकटॉक पर बहुत जल्दी 3 मिलियन का फॉलोअर्स का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया था। तभी वीडियो पहुंची बिहार में एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास, उन्होंने संचिता को अप्रोच किया। संचिता को इनका मैसेज बहुत ज़्यादा फेक लगा, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि मुझे कोई क्यों अप्रोच करेगा। उनकी वीडियो लगातार वायरल होती रही, लेकिन तभी इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। जब इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया तो संचिता ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। संचिता ने टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद कई प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो ट्राई किया, इनको सफलता तो मिली रही थी, लेकिन तभी इंस्टाग्राम पर रील्स लॉन्च हुआ, वहाँ पर इन्होंने वीडियो बनाई। इनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग थी, वहाँ पे भी इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इनके लगातार फॉलोवर्स बढ़ते रहे। इनके बढ़ते फॉलोवर्स को देखकर उस कास्टिंग डायरेक्टर ने फिर से इनको मैसेज किया, इस बार संचिता ने इनको रिप्लाई कर दिया और इनको साउथ के अनुदीप सर को सजेस्ट किया। ये वहाँ पर गई थी लुक टेस्ट देने, उसके बाद इन्होंने ऑडिशन दिया और ये फाइनल हो गई। ये चीज़ आपको एक खूबसूरत सपने की तरह लग रहा होगा कि कैसे कोई 15 सेकंड की वीडियो बनाकर साउथ की हीरोइन बन सकता है, जहां आज हर कोई काम करना चाहता है और हर किसी को साउथ फिल्म पसंद भी आती है। संचिता को भी ये चीज़ सपने की तरह ही लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब मैं यहां तक पहुंच गई हूं तो मैं बहुत मेहनत करूंगी।
उनको उनके लाइफ की पहली साउथ मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिली, जिसमें वो हीरोइन है। इनके अपोजिट श्रीकांत हैं, जो बहुत ज़्यादा फिल्मों में एज अ हीरो काम कर चुके हैं। ये फिल्म इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि इनको तेलुगु भाषा नहीं आती थी और ये मूवी पूरी की पूरी तेलुगु में थी। लेकिन संचिता ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और वो लैंग्वेज सीखी और अपने एक्सप्रेशंस पे काम किए। आज इनकी ये मूवी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो रही है और बहुत जल्दी इनकी एक साउथ तेलुगु मूवी और आ रही है, जिसे आप देखेंगे। आज इनके इंस्टाग्राम पर भी 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनके जीवन को देखकर हमें यही सीख मिलती है कि कोई कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। जहां लोग टिकटॉक को बहुत ज़्यादा रोस्ट करते थे और बोलते थे कि लोग वहां पर मुजरा करते हैं, लेकिन आज वही टिकटॉक से निकलकर कोई साउथ की हीरोइन बन रहा है, तो कोई टीवी सीरियल पे एक्टिंग कर रहा है, कोई रियलिटी शो में अपना लोहा मनवा रहा है। तो हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमारा मन जो कहता है हमको वो करना चाहिए। इनके मन ने कहा कि टिकटॉक पर वीडियो बनाकर हम सफलता पा सकते हैं, तो इन्होंने पाया। बाकी आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए संचिता की लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। आज ये जितने भी सफल हैं उसका सारा का सारा क्रेडिट अपनी मम्मी को देती हैं, क्योंकि संचिता बताती हैं कि मेरी मम्मी एक नेशनल एथलीट थी, लेकिन मेरे जन्म के बाद मेरी परवरिश के लिए उन्होंने अपना वो सपना छोड़ दिया और हम तीनों बहनों की परवरिश में लग गई। जब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाना चाहती हूँ, मुझे टिकटॉक पर वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो उनकी मम्मी ने उन्हें फुल सपोर्ट किया। उनको साड़ी पहनाना और उनको वीडियो के लिए तैयार करना उनकी मम्मी करती थी, और आज भी उनकी कैमरामैन उनकी मम्मी है। आप जितनी भी इनकी रील्स पर वीडियो देखते हैं, इनकी मम्मी ही शूट करती हैं, और इनकी मूवी पे फर्स्ट से लास्ट दिन तक इनकी मम्मी थी इनके साथ। इससे साफ पता चलता है कि अगर बच्चे के माँ बाप उनको सपोर्ट करें तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। इस टाइम ये सिंगल है और इन्हें पनीर मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके फेवरेट हीरो सुशांत सिंह राजपूत और इनकी फेवरेट हीरोइन माधुरी दीक्षित है। इन्होंने जी म्यूजिक कंपनी में एक एल्बम सॉन्ग भी किया है। इनका ड्रीम है कि साउथ मूवी के साथ साथ बॉलीवुड मूवी भी करें। तो चलिए संचिता, आपके लाइफ के सारे सपने पूरे हों, इसी विश के साथ हम इस वीडियो को यहीं करना चाहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब, तो क्या करो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसे अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।